हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। जो भी हमारा ये जो भी एक्सरसाइज है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही हम लोग डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे, ठीक है। थोड़ी सी आप ये बात ध्यान रखो कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है ना, आपको अगर लगता है कि आपने एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व किया तो आपका काम बन जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसके पिछले वाले वीडियोज़ को देख लो, ठीक है। उसमें चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करी कि पैराबोला जो इलिप्स हैं, या फिर जो हमारे एक और कौन सा शेप था, सर्कल, हाँ सर्कल से रिलेटेड हमारे कुछ इक्वेशंस थे जिनको हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है, ओके। तो आप जाकर के पहले उनको थोड़ा सा देखो। देखो ना, बात करते हैं इस क्वेश्चन में सेम वही, यानी कि आपने अगर एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन लगाए हैं तो हम यहाँ से उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y square is equal to x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis। दो बातें समझना, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक कर्व बनाना है। कैसा कर्व बनाना है? y square is equal to x, तो याद करो ये आपका एक पैराबोला का इक्वेशन है। y square is equal to 4ax, याद आया y square is equal to 4ax। तो अगर y square is equal to 4, अगर 4ax होता था तो हम कैसे बनाते थे? हमारी जो कर्व होती थी, कर्व का जो जो वर्टिसेस होता था वो क्या करता था, वो y एक्सिस को ऐसे टच करके जाता था, इस तरीके से कुछ, याद आया। तो हमारा ये फिगर भी कुछ वैसा ही, मतलब इस वाले कर्व का, इस ये वाला हमारा जो इक्वेशन दिया, ये भी हमारा कुछ वैसा ही पैराबोला का इक्वेशन लग रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला ही लग रहा है ना। देखो बात समझ रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर आपने अभी तक मान लो पिछला वीडियोज नहीं देखा है, देखा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखो मेरी बात समझो, हमने कहा कि सबसे पहले सर हम एक कर्व बनाते हैं, और कर्व तो अब हम सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे सर, ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला वाला इक्वेशन। मैंने आपको पैराबोला का पता है बेसिकली, हमारे चार टाइप्स के जो है पैराबोला बनते थे, तो ये कुछ यही वाला तो है ना, ये जो हमारा जो फिगर बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x से, हमारा यही वाला तो फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब बोल रहा है कि ठीक है आपने ये कर्व तो बना लिया, लेकिन साथ ही साथ कह रहा है कि लाइन x इज इक्वल टू 1। अब बात समझो, x इज इक्वल टू 1, तो मान लो x इज इक्वल टू 1 आप कहाँ चलोगे, यहाँ, समझ रहे हो, 2 x इज इक्वल टू 2 आप यहां तक चलोगे, 3 4 यहां तक समथिंग मान लो चलोगे, यानी कि अब एक आपको x इज इक्वल टू 1 पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बताओ मेरे को, अगर आप अगर आपसे बोलता है कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स तो y इज इक्वल टू क्या, 0, बात समझना। अगर आप बोल रहे हो सर कि x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या, 0, तो हमेशा हम जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट पर अगर हमें लाइन ड्रॉ करना होता है, तो सबसे पहले हम वहां पर एक हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0, ऑब्वियस बात है भाई, x में हमें चलनी है डिस्टेंस 1 और y में कितनी चलनी है, 0, तो यहां पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो अब अगर x इज इक्वल टू, अगर हम आपसे ऐसे बोलते हैं कि चलो 0, 1, 0 का जो है आप रिप्रेजेंट करो, तो 1, 0 दैट मीन्स यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट मीन्स ये समझ रहे हो, ये हमारी जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 4 चलो, तो x इज इक्वल टू 4 मान लो आपने थोड़ा सा और आगे चल दिया, तो आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये पहले आप क्लियर हो रो कि सर ने लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ किया, सर ने लाइन ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं किया भाई। ये सिंपल हमारे क्लास 9th 8th की चीज है, सॉरी 8th की नहीं, 9th और 10th की चीज है। देखो जब भी किसी आपको क्वाड्रेंट पर, ठीक है, अगर कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करनी होती, सबसे पहले आप उसका कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है। तो आपने कहा सर क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो इसका हमारा बोल रहा क्या रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू हमें 1 चलना है, y इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला, तो जहां पर पॉइंट मिला हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक दूसरी वाली लाइन x इक्वल टू 4 पर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो अगर y इक्वल टू 1 बोलता तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते, y पर ड्रॉ करते, क्लियर है। चलो तो अब इनके बीच में ये जो हमारा रीजन बना ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, तो इनके बीच में कौन से, देखो x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 4 के बीच में ये जो भी रीजन है ना, वैसे आपको इसकी क्या करनी है, इस पूरे की क्या करनी है, एरिया निकालनी है। और क्या कह रहा है कि एंड द x एक्सिस, तो देखो यही तो है, ये x एक्सिस और ये रीजन के बीच ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया हमारा बन रहा है। ओके बात समझना। तो देखो वैसे इस क्वेश्चन में ना एक चीज मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, मतलब ये हमें पूरा एरिया निकालना है, क्योंकि भाई x एक्सिस के थ्रू ये वाला एरिया भी बन रहा है और ये वाला भी एरिया बन रहा है।
तो ऐसा करते हैं कि देखो, हम सबसे पहले इस वाले का हम एरिया निकाल लेते हैं, ये जो हमें एरिया जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, हम इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। और अगर जैसा होगा, अगर आंसर में अगर आया होगा तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही रहने देंगे। वैसे ऐसा नहीं है, जैसा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में आप जैसे देख सकते हो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो नहीं बोला तो एक मिनट रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना है, रुक जाओ, मेरी बात समझो। देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों को मिलाकर के लेना, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम पहले इस वाले का निकाल लेते हैं, अगर आंसर होगा तो हम जस्ट डबल कर देंगे। हाँ, अब वो आपकी बात होगी, सर हम ये कैसे पहचानेंगे, अगर नहीं बोला होगा तो आपके बार एक ही क्वाड्रेंट का निकाल देना। चलो देखते हैं, पहले हम इसको हम पहले देख तो ले। ओके देखो, तो हमने कहा सर हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि चलो इसका हम कुछ, इस एरिया का हम कुछ नाम हम दे दें। तो मान लेते हैं भाई, चलो ये हमारी जो है ए, ठीक है, और ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ तक हमारा जो है वो डी है, ठीक है ना, ए बी सी डी, हमारा ये एरिया कौन सा है, ए बी सी डी है, और हमें इस वाले एरिया का क्या करना है, इस वाले रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा सा एक स्ट्रिप लेंगे, बहुत ही छोटा सा हमने एक स्ट्रिप ले लिया। सपोज करो कि हमने ये वाला हमने स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, हमने ये वाली स्ट्रिप ले ली, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने यहाँ से अगर छोटी सी आपने अगर स्ट्रिप ली है, तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ से यहाँ तक इसकी बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप है, तो छोटी सी इस स्ट्रिप का जो आपका जो लेंथ होगा या जो भी इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, वो होगी डी एक्स, ध्यान समझो, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वाई होगी। भाई ऊपर एक्स एक्सिस में जब आप वाई एक्सिस में चलते हो तो डिस्टेंस क्या लोगे, वाई लोगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स लेंगे, लेकिन कौन सा वाला एक्स, बहुत ही छोटा सा वाला एक्स, यानी कि डी एक्स लेंगे। समझ में आ रही है ये बात आपको? चलो तो आप ये बताओ मेरे को कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि वाई इंटू डी एक्स, यही बात समझ में आई। देखो हमने कहा कि सर हमारे पास ये जो रीजन है, हमने कहा रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, वो वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए बी सी डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो वाई इंटू डी एक्स, बात समझना, एरिया ऑफ रीजन, अभी अभी रुको रुको ठहरो जरा, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी बात समझो। हमने कहा कि y इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ रीजन हुआ। अच्छा अब देखो, हमें अब एक हमें इस छोटे से स्ट्रिप का तो चाहिए नहीं, हमें इस पूरे एरिया का चाहिए ना, हमें ये पूरे रीजन का चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे रीजन बनाने पड़ेंगे, मेरी बात समझना, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे रीजन बनाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, यानी कि बहुत सारे ढेर सारे रीजन को बना करके उनके सभी एरिया को हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा, समझ लो, फिर एक आप और ऐसे आप एक रीजन लोगे, एक और ऐसे रीजन लोगे, मतलब छोटा सा स्ट्रिप लोगे, छोटा सा स्ट्रिप, छोटा बहुत सारे स्ट्रिप लोगे, तो आप उन सभी स्ट्रिप को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करने का मतलब हम सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं, आगे बात समझे, यानी कि हमने कहा कि अगर हम इस पूरे, अगर हम इस ओवरऑल ए बी सी डी ए की अगर हम बात करते हैं, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वाई, वाई इंटू डी एक्स। अब तो सर कहां से कहां तक आपने इंटीग्रेट किया, ये भी तो रीजन होना चाहिए ना भाई, आपने रीजन लिया है कहां से कहां तक लिया है, तो हम इसकी बात करते हैं लिमिट की, बात समझो, यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप जो है बिना वीडियो देखे आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आप ये चीज़ मेरे को कमेंट में करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया है। देखो हमने कहा कि सर आपको कहां से कहां तक चाहिए, तो हमने कहा सर यहां पे देखो, यहां पर x इक्वल टू कितनी है, 1 है, अच्छा, और इसका लास्ट वाला जो पोर्शन है वो x इक्वल टू 4 है, लास्ट वाला जो पोर्शन है वो x इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स आपको कहां से कहां तक रीजन लेना है, आपको लेना है x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक, क्लियर है, x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक। तो हमने कहा सर हमें चाहिए लिमिट क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक, और आप इस y का क्या कर दो, अब इंटीग्रेशन कर दो, आरी बात समझ में, वाई का क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो, अब सर यहाँ पर वाई है सर, यहाँ पर डीएक्स है सर, ये कैसा सर कॉम्बिनेशन है, तो देखो यहाँ से वाई, अगर आप यहाँ से वाई की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, अंडर रूट एक्स, क्या मिलेगी, अंडर रूट एक्स, सो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, और वाई की वैल्यू हमने कितनी रख दी, रूट एक्स डीएक्स, और आपको रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको करने आता है, रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स के पावर, सब भूल गया क्या, एक्स के पावर 1/2, तो एक्स के पावर 1/2 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 + 1, दैट मीन्स 3/2 / 3/2, याद आया, तो हम डायरेक्टली कर दें, यानी कि हमने कर दिया सर क्या, एक्स के पावर 3/2 / 3/2, और लिमिट लगा दिया क्या, 1 to 4, क्लियर है इतनी बात। अब देखो
ये हमारा 2/3 चला जाएगा सबसे टॉप पर, यानी कि हो जाएगा 2/3 और इंटू एक्स के पावर 3/2। तो एक्स के पावर 3/2 का मतलब देखो एक बार, चलो रख देते हैं एक्स के पावर 3/2 और लिमिट लगा दिया 1 to 4। चलो अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट हम कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2/3 अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 के पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 के पावर 3/2। तो चाहे 1 के पावर चाहे जो भी हो, आंसर तो हमेशा 1 ही आना है। तो 2/3 और ये हो गया हमारे पास कितना, 4 की पावर 3/2। तो आप मेरे को बताओ 4 की पावर, चलो आप मेरे को 4 की पावर 3/2 की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे। हम डायरेक्टली बता दे, देखो 8 कैसे होगा, 4 है ना मेरी बात समझना, 4 है तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 के पावर 2 इंटू फिर इसके पावर में कितना है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या है 8, आगे बस हमें माइनस का 1। भाई 1 के पावर चाहे जो भी हो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी। सो फाइनली क्या मिला आपको, देखो आपको मिला 2/3 × 7, सो कितना हो गया 14/3। क्या यूनिट, सॉरी हमारा ये क्या, हमने ये एरिया निकाला है ना, तो यूनिट स्क्वायर जो भी हो, जो भी इसकी वैल्यू हो, जो भी यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर समथिंग जो भी हो, आ रही बात समझ में। तो देखो हम आपको क्या बताते हैं, मेरी बात समझ में, यहाँ से बहुत ही इजी था ये आपका कॉन्सेप्ट है, सिंपल। आपको अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो ऐसे समझो, आपको सबसे पहले तो ये करना है क्या कि सबसे पहले आपका वो जो भी कर्व दिया होगा आपको, उससे रिलेटेड आपका एक कर्व बनाना है। वो सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। अब अगर बोलता है कि वो किसी रीजन के थ्रू बाउंडेड है, तो ठीक है भाई वो रीजन बनाओ। जैसे उसने कहा सर x=1 और x=2 के बीच वो क्या है, बाउंडेड है, तो हमने बना लिया। अच्छा एक मिनट इसका आंसर चेक कर लिया, कितना आ रहा है, 14/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो ठीक है 14/3 है। देखो हाँ हम क्या बता रहे थे, सबसे पहले आपने ये रीजन बनाना है ना, ये आपको बना लेना है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, अगर बोलता है कि रीजन जो आपको जो रीजन चाहिए वो चाहिए x=1 x=4 और x एक्सिस के बीच में, तो भाई x एक्सिस सही तो है, ठीक है, तो इसके बीच में आपको क्या चाहिए, इसका इसके बीच में और इस x एक्सिस के बीच में, देखो साफ साफ बोला है कि इसके बीच में और इस x एक्सिस के बीच में आपको रीजन चाहिए, तो ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो, अगर ये x एक्सिस पर है तो आप सिंपली क्या करो, बेसिक साथ देखो कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको नहीं कर सकते। हमने कहा सर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया इज इक्वल टू होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप आपने ले लिया, दैट मीन्स उसकी जो लेंथ है वाई, वाई डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लोगे, वाई तो लोगे, और एक्स डायरेक्शन में आपने बहुत ही छोटी सी आपने विड्थ ली है ना, बहुत ही पतली सी आपने स्ट्रिप ली है, तो उसकी हमने विड्थ क्या मान ली, डी एक्स मान ली। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो आपने ये छोटे से स्ट्रिप का आपने एरिया निकाल लिया वाई इनटू डी एक्स, ठीक है। आपने कहा कि नहीं नहीं हमें ये छोटा सी स्ट्रिप का एरिया नहीं चाहिए था, हमें इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए था। तो हमने क्या किया कि हमने इस पूरे रीजन के लिए हमें इंटीग्रेट कर दिया। भाई अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपकी ये रीजन स्टार्ट कहां हुई है, x=1 से स्टार्ट कहां हुई है, x=1 से खत्म कहां हुई, x=4 पर, यानी कि लिमिट क्या हो गई, x=1 to x=4, यानी कि लिमिट क्या हो गई 1 to 4। अब y dx, अब यहां से आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, बट y तो आप नहीं कर सकते, तो आपको यहां से y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। y = कितना हो जाएगा, √x, तो हमने ये रख लिया। बाकी का काम जो है वो आप अपने इंटीग्रेशन में अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्लियर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जी ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y²=9x और रीजन आपका ये दे दिया है x=2 से लेकर के x=4 तक एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप ये जो आपका ये जो इक्वेशन है, आपको ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, पैराबोला का, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप एक पैराबोला ड्रॉ करो। चलो जल्दी से ड्रॉ करो आप पैराबोला। देखो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो आपने कहा कि सर मेरे पास है y²=9ax है, तो हमारा जो पैराबोला होगा वो कुछ ये भाई पिछला वाला ही है, ये होगा, समझ रहे हो आप, ये तो होगा ना, ओके। तो अब देखो ये आपका है, ये आपका ये जो आपका पैराबोला है वो क्या शो कर रहा है, y²=9x ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो फिर आपको क्या लेना है, x=2, तो मान लो x=2 पर आप एक लाइन, यानी कि x=2 मान लो यहाँ पर आएगी x=2 है ना, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है आपने एक लाइन ड्रॉ करी x=2, ये लाइन क्या शो करेगी x=2। फिर कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, x=4, मान लो x=4 समथिंग कहीं यहाँ पर होगा, तो आप एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे,
एक्स इक्वल टू फोर, ये कौन सी लाइन, ये लाइन क्या शो कर रहा है, एक्स इक्वल टू फोर को शो कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि रीजन जो है वो क्या है, बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर दिस दिस एंड एक्स एक्सिस, तो ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला आपको रीजन चाहिए, इस वाले रीजन का आपको एरिया। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यही तो है, तो इस वाले क्वाड्रेंट का आपको एरिया ये बाउंडेड बाई ये कर्व एंड बाउंडेड बाई दिस रीजन, और यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपको ये वाला रीजन चाहिए, क्लियर है। सेम वही काम मान लिया जाए कि इसकी इसकी सबसे पहले हम नाम दे दो वही चीज ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इज इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, सिंपल आप एक छोटा सा एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लो, बहुत ही थिनेस्ट स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ये जो स्ट्रिप है ना बहुत ज़्यादा पतली है, मैं ऐसे जूम करके देख रहा था तो हमें ये बहुत ज़्यादा ऐसे मोटी नज़र आ रही है, बट ये बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब इसकी देखो लेंथ कितनी होगी वाई, इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है डी एक्स होगी, ब्रेथ कितनी होगी भाई डी एक्स होगी। चलो तो इस स्ट्रिप का इस बात समझो, मैं हम वर्ड्स को ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं ना आपसे कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ऐसे ही आपने बहुत सारे स्ट्रिप बनाए हैं, एक स्ट्रिप आपने यहाँ बनाया, एक स्ट्रिप आपने ऐसे बनाओगे नहीं कॉपी पर, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि स्ट्रिप आपने यहाँ बनाया, एक स्ट्रिप आपने यहाँ बनाया, तो इन सारे स्ट्रिप को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, सेम वही कहानी। तो आपने कहा एरिया, जैसे पूछा आंसर वैसे आप क्वेश्चन वैसे ही अपना आंसर दो, तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो y इंटू डी एक्स, लेकिन आपने कहा सर ये तो हमारे एक स्ट्रिप का निकल गया, लेकिन आपने रीजन क्या लिखा है, आपने लिखा है रीजन ए बी सी डी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो टू से लेकर के फोर तक, टू से लेकर के फोर तक, क्लियर है। क्या आप y की वैल्यू रख लोगे, y इज इक्वल टू कितना रखोगे, देखो यहाँ पे देखो सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9x है, तो y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 3√x, आगे बस सुनिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√x, तो जहाँ पर y है उसकी जगह आप क्या रखोगे 3√x, चलो रख दिया जाए, तो 2 to 4 और 3√x dx, ये 3 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 3, और ये हो गया x, x के x रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x के पावर 3/2 / 3/2 और 2 to 4, ये 3 पहले से था, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 के पावर, सॉरी पावर नहीं लिमिट 2 to 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 2, और देखो ये क्या बचेगा x है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 है एज इट इज ही रहेगा, तो 4 के पावर 3/2 जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया 8, माइनस कैसे सॉल्व किया ये आपको पता है, 2 के पावर 3/2, अब 2 के पावर 3/2 को अगर हमें लिखना होगा, चलो आप मेरे को बताओ तो आप कैसे लिखोगे, देखो चलो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप मेरे को बताओ 2 के पावर 3/2 को आप कैसे लिखोगे, जल्दी करो, देखो तो 2 के पावर 3 मैंने आपको कई बार बताया बच्चे, देखो 2 के पावर 3/2 का मतलब समझते हैं क्या है, 2 के पावर 3/2 का मतलब क्या, देखो अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में 2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास होगा ये स्क्वायर रूट, और 2 अंदर जाएगा तो 2 अंदर कितनी बार 3 बार, यानी कि 2 into 2 into 2, यही तो मतलब हुआ 2 के पावर 3/2 का, समझ में आ गई बात, यहाँ से 2 आपका बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2√2, तो क्या बचेगा 8 - 2√2, ठीक है 8 - 2√2 है ना, ओके क्या हो जाएगा इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 - 4√2 क्या यूनिट स्क्वायर, जो भी आपका है हो यूनिट, क्लियर है, यूनिट स्क्वायर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो रीजन का एरिया, एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है ना, तो आप भी यहां पर क्या करोगे यूनिट स्क्वायर लगाओगे। आरी बात सुनने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ओके अब मेरे को बताओ कि सबसे पहले आपको ये एक पैराबोला दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सबसे पहले आप इसका मेरे को आप फिगर बना करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का फिगर कैसे बनाओगे, चलो बना दिया, देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कहने का मतलब हमारा जो पैराबोला होगा वो टच होगा एक्स एक्सिस से, और कैसे डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओके देखो है ना कितनी बढ़िया सी चीज है ये,
तो हमने कहा सर हम एक पैराबोला बना लेते हैं और कुछ ऐसे होगा ना, समझ में आ गई बात, कुछ ऐसे तो होगा। ओके अब देखो, तो क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2, या हमारा ये जो है थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारी ये जो पैराबोला है, ये हमारी ये जो कर्व है, ये हमारा शो कर रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को शो कर रहा है। कह रहा है कि फिर आपको एक और दूसरा रीजन लेना है वाई इज इक्वल टू 2। तो अब वाई में आप 2 चलो, तो वाई में 2 मान लो आप यहां तक चलोगे, ठीक है। फिर वाई में आपको कितना चलना है, 4 चलना, तो वाई में आप 4 मान लो यहां तक चलोगे। तो वाई में 2 चलोगे, तो वाई में क्या करोगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, वाई इज इक्वल टू 2 का यही इक्वेशन होगा ना, वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 4 का ये वाला इक्वेशन होगा, वाई इज इक्वल टू 4। अब कह रहा है कि आपको ये रीजन निकालना है बाउंडेड बाई दिस, यानी कि ये कर्व एंड दिस एंड दिस, तो दिस एंड दिस के बीच ये वाला रीजन, और कौन सा, कौन से क्वाड्रेंट में, एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो हमारी यही है, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला आपको, इस वाले रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात, आगे बात समझ में, सिंपल। क्या किया जाए, अब यहाँ पे हम फिर से एक पतली सी छोटी सी है ना, नन्ही सी मुन्नी सी क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिप को ले लेते हैं। तो हमने ये स्ट्रिप ले ली, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले ली है ना, बहुत ही पतली सी हमने स्ट्रिप ले ली। ये मोटा दिख रहा है सर, तो हम इसको जूम करके देख रहे हैं, क्या करके देख रहे हैं भाई, जूम करके देख रहे हैं, तब ये क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसकी थिकनेस कितनी होगी सर, बहुत ही पतली आपने ली है, तो थिकनेस हम डी वाई मानेंगे, लेंथ हम इसकी एक्स मानेंगे, आ रही बात सुनने। तो देखो इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, ये हमारा जो रीजन है ना, हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। सो हमने कहा एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, देखो हम पहले बात कर लेते हैं छोटे से स्ट्रिप की है ना, तो इस छोटे से स्ट्रिप का देखो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एक्स, इंटू ब्रेथ कितनी है डी वाई। लेकिन आपने कहा सर आपने तो सर ये रीजन लिखा है ए बी सी डी, ये तो आपको सर ये पूरा वाला रीजन है, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे छोटे 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 क्या करने पड़ेंगे, पतले पतले स्ट्रिप लेने पड़ेंगे है ना, और इन सभी को हमें आपस में ऐड कर देना पड़ेगा। तो ऐड करने का मतलब है कि हम सभी का इंटीग्रेशन कर दें। अब इंटीग्रेशन सर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो आपने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स इक्वल टू कितनी है, 2 है, यानी कि 2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। क्लियर है ये बात, 2 से लेकर के 4 तक, और आप इसका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। लेकिन आपने कहा सर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर डी वाई है, तो आपको तो सर इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन आपने तो सर यहाँ पर एक्स लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई है, चाहिए बताओ मेरे को, सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√y हो जाएगा, हो जाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू 2 2 4, और ये हो गया 2 हमारा और निकल गया बाहर, और √y इंटू डी वाई। अब आप कर लोगे इसके आगे, चलो जल्दी से करो, बिना एकदम बिना किसी से बात किए जो है आपको करना है। तो y के पावर 3/2/3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 4, सो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा वाई के पावर 3/2, 2 2 4, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 4 के पावर 3/2, और -2 के पावर 3/2। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारी वैल्यू निकाली है, 4 के पावर 3/2 का मतलब होता है 8, 2 के पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, ये तो होता है। क्या किया जाए, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 4 32 आ चुका 32, 32/, ठीक है, पूरे के अपॉन में 3 आ जाएगा, -4 2 8√2/3, क्या यूनिट स्क्वायर। ओके ये आपका फाइनल का आंसर हो जाएगा, आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/16 + y²/9 = 1। ओके, तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एलिप्स बनाना है ना। चलो बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं, देखो ये क्या है, एलिप्स है, ठीक है, और तो हमें अब इसमें और कोई कंडीशन तो दिया नहीं है,
कि नहीं एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स इज इक्वल टू इतना, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। यानी कि आपको इस पूरे के पूरे इलिप्स का क्या करना है, आपको इस पूरे के पूरे इलिप्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो पूरा जो इलिप्स है, एक मिनट रुको, देखो ये हमारी पूरी पूरी इलिप्स को कहाँ हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, हम किसी एक क्वाड्रेंट को लेते हैं और एक जो क्वाड्रेंट होगा वो सभी क्वाड्रेंट के क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। तो मान लेते हैं हम इस वाले हम क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करते हैं, क्लियर है, इस वाले क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो स्ट्रिप है वो कैसे लेते हो। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, समझ रहे हो। तो हमने मान लो कि भाई मेरी मर्जी, हमने ऐसे ले लिया, नहीं क्लियर है ना, मैंने ये चीज आपको बताई ना, आप चाहे स्ट्रिप कैसे भी ले सकते हो, तो मैंने स्ट्रिप ऐसे ले लिया। तो ये बताओ, आपने अगर स्ट्रिप अगर ऐसे लिया है तो इस स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी, dx, क्योंकि बहुत ही पतली सी आपने ये स्ट्रिप ली है, यहां से यहां तक की dx होगी। इस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, y होगी। अच्छा, तो इस रीजन का नाम दे दो o a और o a b। इस रीजन का हमने नाम क्या दे दिया, ओ ए बी। अगर हम इस एक रीजन का अगर हम एरिया निकाल लें तो हम फोर का इस रीजन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात सुनने। तो हमने कहा ऐसे, देखो हमने कहा क्या, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, है ना, ओ ए बी ओ। ओके, तो देखो अब एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपने इस पूरे, आपको इस पूरे रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें। तो इस देखो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स। लेकिन आपने कहा सर, आपने तो बताया कि आप तो सर ओ ए बी ओ का रीजन का एरिया ले रहे हो, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन आपने सर स्ट्रिप ले लो, कोई बात नहीं, हम ऐसे बहुत सारे ढेर सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और इन सभी के एरिया को आपस में ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इसका कर देना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब रही बात सर, आप लिमिट क्या दे रहे हो, है ना, ये जो रीजन फैला है ना, ये वाला जो रीजन है ए ओ बी ओ, ये कहां से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, क्लियर है बात। देखो तो आप याद करो, जब आप कहते थे कि इसमें हमारी ये हमारी मेजर एक्सेस होती थी, है ना, जिसमें हम यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या लेते थे, 2a, क्या लेते थे, 2a लेते थे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या लेंगे, a लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, और यानी कि ऐसे बात समझो, अगर आपने ये स्ट्रिप, बात समझना, अगर आपने ये स्ट्रिप अगर आपने x पर ली है, ठीक है, तो देखो हमने कहा सर, अगर आपने ये स्ट्रिप अगर आपने x पर ली तो आपको ऐसे ढेर सारे छोटे 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 स्ट्रिप लेने पड़ेंगे। तो आप एक स्ट्रिप यहां पर भी लोगे, यानी कि स्टार्टिंग कहां से करोगे, देखो आप स्टार्टिंग करोगे जीरो से, कहाँ से करोगे, मतलब आपने मान लो ना, आपने एक स्ट्रिप यहाँ से भी तो ऐसे लोगे ना, यहाँ से एक स्ट्रिप ऐसे छोटी सी एक स्ट्रिप बनाओगे ना, तो ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई, ऐसे बनाते 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 कहाँ चले गए, यहाँ पर चले गए। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल एरिया काउंट करनी है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो सर यहाँ से यहाँ तक की होगी ए। अब ये सर ए क्या चीज़ है, यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया कि यानी कि हमारी जो इनिशियल लिमिट होगी वो होगी जीरो, लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा। देखो तो याद करो, ये आपका जो एलिप्स है, ठीक है, इस एलिप्स में जैसे आपने कहा सर, आपका इस एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, एक मिनट सॉरी उल्टा लिख दिए क्या हम लोग, नहीं भाई ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो देखो ए स्क्वायर की देखो वैल्यू कितनी है, 16, तो a square is equal to कितना है 16, so a is equal to कितना हो जाएगा भाई 4। आगे बात समझे, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4, समझ में आ रही बात, ये कितना होगा, यहां से यहां तक हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4 होगा, यानी कि आपको आपको लिमिट मिलेगी कहां से कहां तक आपको लेना है 0 to 4। क्लियर है इतनी बात, बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई, पहले ये बताओ, मान लो कुछ बच्चे जो है ऐसे ये वाली स्ट्रिप लेकर के चलेंगे, ध्यान समझना, जो बच्चे मान लो ये वाली स्ट्रिप लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखो
आपने जब ये वाली जब स्ट्रिप ली तो आप यहाँ पर अब क्या लोगे, डी वाई, क्या लोगे बच्चे, डी वाई, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या लोगे, ये पूरी डिस्टेंस क्या लोगे, एक्स, समझ रहे हो। तो अब देखो, अब आप सिमिलरली क्या करोगे, देखो फिर आपने कहा सर ऐसी स्ट्रिप आप यहाँ पर भी लोगे, यहाँ पर भी लोगे, फिर एक स्ट्रिप यहाँ पर भी लोगे, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया, जीरो से, तो जीरो टू, ठीक है। अच्छा आप कहाँ तक चले, ये स्ट्रिप बनाते 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 आप कहाँ तक चले, टोटल आप यहाँ तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स बी, तो बी आपकी कितनी हो जाएगी, थ्री, यानी कि उस केस में आप क्या लोगे, लिमिट जो लोगे वो लोगे जीरो टू थ्री, क्लियर है। कंफ्यूज मत होना, हमेशा जीरो टू फोर मत ले लेना, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक का एरिया ले रहे हो, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। चलो आगे वाले समय दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे जिस भी तरीके से कर लो, आप चाहो तो दोनों तरीके से करना, और आप मेरे को आंसर बताओ कि हाँ सर दोनों तरीके से मेरा आंसर आया है। चलो भाई, तो यहाँ से वाई डी एक्स है, अब देखो वाई की वैल्यू क्या रखी जाए, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी वाई की बात कर लेते हैं। सिंस हमने कहा कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ से क्या करनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें इस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको भेज देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सो ये देखो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली देखो कितना हो जाएगा, 9 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो फाइनली वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो ये पूरा अंडर रूट जाएगा, ये पूरा अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट के अंडर में जाएगा, तो अब 9 अपॉन 16 का जब आप स्क्वायर मतलब अंडर रूट जब हटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 अपॉन 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई की वैल्यू जो भी है, वाई की वैल्यू होगी उसकी जगह आप क्या रख दोगे, 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो सो फाइनली एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू 4, और वाई, वाई की वैल्यू हम कितनी रख दें, 3 बाई 4, है ना, चलो रख देते हैं 3 बाई 4, तो 3 बाई 4, एक मिनट, वाई की वैल्यू, ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वाई की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 3 बाई 4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो अब इस 3 बाई 4 को बाहर निकाल दो, तो 3 बाई 4 हमारा हो गया बाहर, 0 टू 4। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्या a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आपका हो गया ना 4 का स्क्वायर, याद आया फॉर्मूला, ये आपके पास एक फॉर्मूला याद आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलो बताओ क्या लिखते थे इसका फॉर्मूला, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता था, देखो क्या होता था, हमारे पास होता था एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बोल रहे हैं फॉर्मूला क्या होता था, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब सॉरी एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो होता था, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। चलो यार तो ये चीज रख देते हैं इस पर, है ना, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको एक बार लिख लेते हैं, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो इस फॉर्मूले पर ब्रेक कर देते हैं, तो 3 बाई 4 ये एज इट इज है पहले से है, तो हमने इसको 3 बाई 4 हमने बाहर रख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है एक्स बाई 2, तो एक्स का मतलब एक्स ही है, बाई 2 है, तो 2 का मतलब 2 ही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वही ए, मतलब कि ऐसे समझो, चलो अब सही है सर, है ना, ए स्क्वायर यानी कि 16 का 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब क्या 16, तो 16 बाई 2 और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब एक्स और ए का मतलब 4, बस हो गया। अच्छा लिमिट भी लगा देते हैं 0 टू 4, क्लियर है। चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक बार इसको सॉल्व कर लिया जाए,
एट हो जाएगा ये 3/4। चलो हम रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख देते हैं 4, दैट मीन्स 4/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 4। तो अब अगर आप एक्स की वैल्यू 4 रखोगे तो 16 ही आएगा, यानी कि पूरा का पूरा टर्म हो गया 0 प्लस 16/2। 16/2 का मतलब 8, और साइन इनवर्स एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर का मतलब 4/4 दैट मीन्स 1। अच्छा ये हमारी हुई अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट आप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आप 0 रखोगे तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म भी साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म भी 0। समझ रहे हो बात, ठीक है। यहाँ पर बच्चे देखो कंफ्यूज मत होना, 0 कैसे हो गया, ये तो 0 हो गया ना, यहाँ देखो 16/2 साइन इनवर्स 0/4, तो साइन इनवर्स 1 सॉरी साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, कैसे होगी साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, देखो कैसे, ओके देखो साइन इनवर्स 0 है ना, तो ऐसा करो साइन इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो। अब ये बताओ 0, 0 में कितने डिग्री, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या कहोगे सर साइन 0, साइन 0 दैट मीन साइन से ये साइन कैंसिल, क्या बचा 0, ठीक है। चलो क्लियर है बात, थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप छोड़ दिए हैं बट कोई नहीं, आप ये बात समझ रहे हो ना। ये आ जाएगा ये सॉरी, ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या बचेगा देखो आपके पास 8 और साइन इनवर्स 1, क्या बचेगा साइन इनवर्स 1, ठीक है, हो गया ये कहानी, इसकी कहानी खत्म। कितना बच जाएगा आपके पास 3/4 और 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई टू। कैसे सर, देखो साइन इनवर्स मेरे पास है कितना बचे 1, बात समझना, तो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स छोड़ दो। अब देखो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन पाई बाई टू, बोलो ऐसा करते हैं ना, साइन साइन कैंसिल, तो कितना बचा पाई बाई टू, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी पाई बाई टू, तो 8 × π/2, ये 4 जा कट गया, ये 4 से ये 4 भी कट गया, कितना बचा आपके पास बचे 3π, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि एरिया ऑफ ए, एक मिनट एक मिनट, अभी हमारा ये एरिया ऑफ ए ओ बी आया है ना, बट हमें निकालना है इस पूरे हेमिस्फेयर का एरिया, तो पूरे हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी हेमिस्फेयर नहीं है सॉरी, ये हमारा इलिप्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो हमने कहा सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 × 3π, कितना हो जाएगा 12π क्या यूनिट स्क्वायर। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे ख्याल से आप खुद से ये कर लोगे, है ना, आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, बहुत इजी है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आप ये कमेंट करके बताओगे यस सर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। नाउ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके देखो देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन, आपकी ये दी गई है, एंड द सर्कल, ओके यानी कि दो चीजें दी गई है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं ना कि हम एक पहले सर्कल बनाते हैं, ओके तो ये हमारी एक सर्कल है, ओके अब देखो मैंने ये ऐसा क्यों बनाया, इस सर्कल को यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, या फिर इसका सेंटर मैंने यहाँ पर ही क्यों बनाया, यानी कि इसका सेंटर मैंने 0.0 क्यों रखा, मैंने इसका आपको रीजन भी बताया था एग्जांपल्स में, बताया था ना, बोलो याद है, याद आया। देखो इस सर्कल में जैसे हम जो सर्कल का जो मेन इक्वेशन देखते थे वो देखते थे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर ना तो एच है ना तो के है, दैट मीन्स एच की वैल्यू कितनी है 0 और के की वैल्यू कितनी है 0, सो हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा एच कॉमा के दैट मीन्स 0.0, इसलिए हमने इस सर्कल का सेंटर को कहाँ बनाया है इस ओरिजिन पर बनाया। ये बात इतनी क्लियर हुई कि ऐसा क्यों बनाया गया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, ये रीजन है पहली बात, तो ये आपको इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब फिर कह रहा है कि आपको एक लाइन भी ड्रॉ करना है x इक्वल टू √3y, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई बच्चे, क्या जब अगर बोल दिया ना कि x इक्वल टू √3y, तो
तो आप श्योर नहीं हो कि आप x इज इक्वल टू रूट थ्री यहाँ ले लो या रूट थ्री यहाँ ले लो, कहाँ ले लो ये आप श्योर नहीं हो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता था, केवल डायरेक्टली बोलता था x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू फोर, x इज इक्वल टू टू, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू थ्री, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। लेकिन इस केस में हम एग्जैक्टली भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सर कैसे क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको यहां से देखो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर, तो आपको इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। देखो अब कैसे सॉल्व, तो ये काम आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है दिखाना, बस आपको बस कोऑर्डिनेट दिखा देना है कि हाँ भैया लो x की वैल्यू यहां होगी और y की वैल्यू यहां होगी, क्योंकि आपको लिमिट लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करते हैं इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, तो हम इसको साइड में करते हैं, रफ में करते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी रखनी है, रूट थ्री वाई, तो एक्स रूट थ्री वाई का होल स्क्वायर यानी कि थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो फोर से फोर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा वन, सो वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा, वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास वन, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल बची आपको वन, सो एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, सो एक्स इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री इंटू वन, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू रूट थ्री और वाई की वैल्यू मिली वन, बस जो यानी कि x की वैल्यू रूट थ्री। अब सर वो रूट थ्री कहाँ होगा, क्या इस सर्कल के बाहर होगा, इस सर्कल के, देखो जितनी भी पॉसिबिलिटी बचे हम आपको वो सब बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी, आप कहाँ पर क्या सोच रहे होगे, क्या नहीं सोच रहे होगे, हम आपको सारी की सारी चीज़ बताएंगे, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो मेरे साथ, बने रहो, ठीक है। तो आपने कहा सर अब हम सर कैसे डिसाइड करें कि x इज इक्वल टू हमारा रूट थ्री जो यहाँ होगा या यहाँ होगा, सर कैसे डिसाइड करें। देखो तो उसके लिए आपको इसका लेना हेल्प लेना पड़ेगा, सिंस आपने कहा मेरे पास जो सर्कल की जो रेडियस है, मतलब सर्कल जो हमारा गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है। तो अगर आप देखो इसको जब आप कंपेरिजन करते हो किससे, बाय कंपेयरिंग क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू देखो, तो ए स्क्वायर है ना, तो ए की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, यानी कि ए इज इक्वल टू जो है, देखो यहाँ से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एज इक्वल टू आपको मिलेगा टू, भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर फोर है तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, टू, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है टू, और आपको रिप्रेजेंट करना है रूट थ्री, समझो आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स में रूट थ्री, तो ऑब्वियस बात है रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है समथिंग, 1.732 समथिंग कुछ होती है ना, 1.73, ओके, तो 1.73 यानी कि ये इसके अंदर ही तो होगा, तो मान लेते हैं कि यहां पर होगा, मान लेते हैं यहां पर होगा, एग्जैक्टली वो मेजर करने तो जा नहीं रहे, बस इतनी बात समझो कि अंदर होगा। आपको ये पता करना था ना कि जो रूट थ्री होगा वो अंदर होगा या बाहर होगा, तो पता आपने कर लिया, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 और आपकी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, टू है, तो यहां पर हो गया 1.732, दैट मीन्स रूट थ्री हो गया। अब आपको वाई इक्वल टू कितना चलना है, वन, y इज इक्वल टू कितना चलना है, वन, तो देखो यहां से यहां तक ये पूरा कितना होगा, जस्ट टू होगा, तो इसका जस्ट हाफ जो होगा, इसका जस्ट जो हाफ होगा वो कितना होगा, वन होगा, होगा ना, तो मान लेते हैं कि हमने चला वन यहाँ पे। तो इस केस में जब ऐसा होता है, बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ना वो कितना मिला, वो मिला x कॉमा वाई का मतलब क्या कि रूट थ्री कॉमा वन, तो आपने रूट थ्री चलाया है, वन चलाया है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा, ये आपका कोऑर्डिनेट मिला, समझ रहे हो, यानी कि लाइन जो है ना आपकी x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, यानी कि इस इक्वेशन का अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो देखो कहां से जाएगा, इस इक्वेशन का लाइन जाएगा वो जाएगा यहां से, हाई बस समझ में, इतनी बात आपको बताओ पहले ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन वो ऐसे जाएगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, क्लियर है। तो अब ये जो रीजन बना, ठीक है, यानी कि सर्कल, ये सर्कल का ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, तो इसके बीच का जो भी ये जो रीजन है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो तो अब क्या है ना, यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम देखो क्या आ गई, यहां पर आपके पास दो चीजें आ गई, कंडीशन क्या है कि या तो आप सर्किल का
मतलब इक्वेशन लो, जो कि आपका ये जो सर्कल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। या तो आप इस लाइन का मतलब आप कुछ भी रखोगे ना, एक्स इंटू मान लो डी एक्स रखोगे या वाई इज इक्वल टू डी एक्स रखो, वाई इंटू डी एक्स रखोगे, तो आप एक्स की कौन सी वैल्यू रखोगे, लाइन वाली रखोगे या अरे वो वाली लाइन नहीं, अरे देखो लाइन वाली रखोगे या ये सर्कल वाली रखोगे, नहीं समझ रहे मेरी बात। फिर मान लो आपने कहा सर नहीं, अगर हम वाई वाई इंटू डी एक्स रखते हैं तो आप बताओ आप कौन सी वैल्यू रखोगे वाई की, ये वाली वाई इक्वल टू रखोगे एक्स अपॉन रूट थ्री या फिर यहां से वाई की वैल्यू रखोगे, तो यहां पे कंफ्यूजन होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना बच्चे, बात मेरी ध्यान समझो, इसीलिए हम इस पूरे अपने इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपने इस पूरे सर्कल मतलब ये हमारा जो भी एरिया था ना, हमने हमने इस पूरे एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बार इधर वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, चलो इसका नाम देते हैं, इसका हमने नाम दे दिया, मान लो ये हमारा ओ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, नहीं दिख रहा है, एक मिनट आ जाओ भाई, ये देखो स्पेशल टाइप का हम ये जो है मार्कर बनाया है, इसमें दो कलर का मिक्सचर है। आपको सर ये तो सर ब्लैक बना रहे हो सर आप, ये नहीं ब्लैक नहीं, इसमें हल्का सा रेड है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से दो एरिया निकालेंगे, एक इधर वाला एरिया निकालेंगे और एक इधर वाला एरिया निकालेंगे, समझ रहे हो हरी बात मेरी समझ में है ना। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चे ना कि देखो आप जब पूरा जब आप एरिया लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर मान लो आपने कहा सर वाई डी एक्स, तो भैया वाई की कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू या वाई की ये वाली वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार ले ले रहे हैं ये वाला एरिया ओ ए सी और फिर एक हम निकालेंगे क्या सी ए बी वाला एरिया। जब देखो जब आप ओ ए सी निकालोगे तो इसमें आपको आपको केवल क्या मिलेगी कि वाली वाली देखो लाइन वाली इस वाले लाइन से टच हमारी रिलेटेड एरिया मिलेगी, समझ रहे हो ना। ओ ए सी की जब हम बात करेंगे ना तो इस वाले लाइन से रिलेटेड टच हमारी क्या करेगी कि वाला एरिया मिलेगी। जब हम बात करेंगे ए सी बी की ना तो हमें केवल देखो इस वाले कर्व से रिलेटेड क्या होगी एरिया मिलेगी। और आपको यहां से यहां तक कि जब आप ओ ए सी जब लोगे तो आपको यहां से यहां तक कि देखो डिस्टेंस पता है कितनी है, रूट थ्री है। आ रही बात समझ में, तो निकाल दिया जाए। चलो इतनी बात तो पहले बताओ आपको समझ में आई या नहीं आई, ये हमने सर दो रीजन क्यों ले लिए। सबसे पहले बात तो आपको ये समझ लेना कि सर ने दो रीजन क्यों लिया, एक रीजन से नहीं निकाल सकते थे क्या, नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे सर, क्योंकि एक रीजन में सर हम श्योर नहीं है कि अगर हम मान लो वाई इक्वल टू एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स अगर हम रखते हैं जो भी आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो भैया क्या रखोगे वाई की वैल्यू, ये वाली रखोगे या फिर ये वाली रखोगे, या फिर आपने कहा नहीं सर हम एक्स डी वाई रख देते हैं तो सर क्या रखोगे एक्स की वैल्यू, क्या रखोगे यहां से रखोगे रूट थ्री वाई या फिर यहां से एक्स की वैल्यू रखोगे फोर माइनस वाई स्क्वायर, क्या रखोगे, कन्फ्यूजन है ना। तो सर इसी चीज को हम डील करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए हमने हमने इस अपने एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने से अब हम अलग अलग इस लाइन से रिलेटेड हम अपना जो भी एक्स या जो भी वाई की वैल्यू होगी हम वो रख सकते हैं, और इस सर्कल से रिलेटेड जो भी एक्स और जो भी वाई की वैल्यू होगी हम वो रख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो देखो हमने कहा सर फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा यही तो एरिया बन रहा है ना, सर्कल और इस लाइन के बीच। तुमने कहा सो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, और ये ट्राइंगल में ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ सी ए बी सी, बोलो ये बात आ रही समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं बारी बारी से हम दोनों का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालते हैं ओ ए सी का, तो ओ ए सी का आप एरिया देखो किस तरीके निकाल सकते हो, आप इसका एरिया निकाल सकते हो 1/2 बेस इनटू हाइट, भाई ये ट्राइंगल है, आपने कहा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस, ध्यान से मेरी बात समझना, बेस इनटू हम क्या लेते हैं हाइट, कौन सी लेते हैं भाई हाइट लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट, कौन सी हाइट लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं 1/2 इंटू देखो बेस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका बच्चे, ये हो जाएगा बेस, जब का बेस है ओसी, ओसी की वैल्यू आपको पता है कितनी है रूट थ्री इंटू हाइट, हाइट कितनी है एसी, और एसी की भी वैल्यू आपको पता है, तो 1/2 इंटू
ओसी, ओसी की वैल्यू है रूट थ्री इंटू एसी की वैल्यू है देखो कितनी, वन। भाई कहाँ गए हो, ऊपर वन तक गए हो ना, इज इक्वल टू कितना जाएगा, यह जाएगा रूट थ्री बाई टू। ओके, ये आपने रूट थ्री बाई टू निकाल लिया, किसका, एरिया ऑफ ओ ए सी निकाल लिया। चलो तो हम बात करते हैं अभी इस वाले की, एरिया की बात कर लें, सी ए बी सी की बात कर लें। अब ध्यान से समझो, यही मेन है। सो एरिया ऑफ सी ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखो बात मेरी ध्यान से समझना, अब मेरी बात यहां पर ध्यान से आप समझो। तो आपके पास अब यहां पर ऑप्शन है, आपने कहा यहां से हम इसको थोड़ा सा ना इस वाले पोर्शन को देखो, ये जो ए सी बी वाला ये जो पोर्शन है ना, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। क्या करते हैं भाई, देखो जूम करते हैं कैसे, ये सर कुछ ऐसे है, बोलो, अरे आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये देखो सी ए पी है ना ये, ठीक है, हमने इसको जूम किया जूम किया जूम किया जूम किया। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसे लो, आपको एक छोटी सी स्ट्रिप माननी है ना, एक छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप माननी है, तो आप कैसे मानोगे, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे मानो, आप चाहो तो ऐसे मानो। देखो अगर आप ऐसे मानते हो, ठीक, आपने ये छोटी सी पतली सी टेढ़ी सी, नहीं टेढ़ी सी नहीं, सीधी सी स्ट्रिप माननी है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो आप अगर ये, अगर आप ये स्ट्रिप मानोगे तो इसकी आप लेंथ क्या लोगे y, इसकी विड्थ क्या लोगे dx लोगे, देखो है ना। अच्छा यहाँ पे इस, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल है वैल्यू है वो देखो c के पास कितनी है, रूट थ्री, देखो c के पास कितनी है रूट थ्री, और बी तक जाते जाते, बी तक जाते जाते इसकी वैल्यू देखो कितनी हो गई थी, याद करो टू। तो अगर आप, अगर y के, मतलब अगर आप स्ट्रिप, मतलब अगर आप ऐसे लोगे x, x एक्सिस पर अगर आप, अगर एक छोटी सी पतली सी अगर आप स्ट्रिप लेते हो, तो इसका एरिया देखो कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है, और हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, रूट थ्री से लेकर के, देखो तो एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, और यहाँ से ऐसे लेते 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 कहाँ तक चले जाओगे, कहाँ तक चले जाओगे, कहाँ तक चले जाओगे, कहाँ तक, टू तक चले जाओगे, कहाँ तक चले जाओगे, टू तक, तो रूट थ्री टू टू, रूट थ्री टू टू, बोलो ये बात समझ में आई। एक तो ये तरीका हुआ, मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, नहीं सर हम आपकी बात क्यों मान लें, हम तो सर वाई वाली स्ट्रिप लेंगे, सर हमें वाई से प्यार है, कोई बात नहीं आपको वाई से प्यार है, चलो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम ये वाली स्ट्रिप लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं सर हम आपकी बात क्यों कह रहे हैं, हम ये वाली स्ट्रिप लेंगे, कोई बात नहीं भाई लो। तो आप अब देखो, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी x, और यहां से इसकी थिकनेस कितनी होगी dy, तो एरिया आप क्या लोगे, एरिया आप लोगे x इंटू dy। अच्छा तो सर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, अब देखो, देखो यहां पर था रूट थ्री, आपने कहा सर यहां पे हम मान लो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पतली सी छोटी सी, फिर ये ऐसे लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए कहां तक, यहां तक, तो यहां तक हमारी हाइट कितनी है, वन। एक मिनट, ये देखो गड़बड़ हो गया, नहीं क्यों गड़बड़ हो गया, देखो बात समझो। तो यहां से एक बात हमें ये समझ में आई क्या, ये बात हमें समझ में आई कि कोशिश ये करना आप, कि आपकी ये जो एरिया है अगर ये वाई एक्सिस से अटैच होती तो आप लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये y एक्सिस से अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है, x एक्सिस से अटैच है, तो इसलिए dx बनाने की कोशिश करना। कंक्लूजन समझो आप, देखो हम ये इतने सारे ऑप्शन आपको इसलिए बता रहे हैं ना, हम कुछ गलतियां इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उन गलतियों से आप सीखो, मतलब ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्टली हम ये चीज आपको बता देने होंगे क्या मतलब है इसको बताने का, लेकिन नहीं मे बी। तो आपको यहां से क्या समझनी बात, आपको यहां से बात ये समझनी है कि जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो आपको जिस भी एक्सिस पर आपका वो एरिया, जिस भी एक्सिस से आपका वो एरिया अटैच होगा, तो हमेशा उसके उसके मतलब डी, अगर मान लो एक्स एक्सिस से अटैच है तो आप रखोगे डी एक्स, वाई एक्सिस से अटैच है तो आप रखोगे डी वाई, समझ रहे हो ना बात। ये चीज आपको ज्यादा जो है वो मतलब इजी कॉन्सेप्ट आपको देगा, ये चीज आपको ज्यादा इजी चीज बनाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहां से इसको लेने का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारी लिमिट हो गई बड़ी और ये हो गई छोटी, तो रूट थ्री टू हम वन नहीं लेंगे, समझ रहे हो, रूट थ्री टू वन हम नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये बात आप ध्यान रखना कि हमारा एरिया जिस एक्सिस से टच होगा,
ठीक है, हम उसको ज्यादा कंसिडर करेंगे। क्लियर है? चलो इतनी बात आपको समझ आई। देखो तो ले लो यहां से क्या हो जाएगा। सो हमने कहा सर डी एक्स हमने लिया है और वाई हमने इसकी लेंथ मानी है ना, हमने यहां से यहां तक वाई कितनी मानी, लेंथ यानी कि वाई इंटू डी एक्स। लेकिन हमें तो सर लेना है इस पूरे सी ए बी सी का एरिया, सी ए बी सी का एरिया, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, रूट थ्री से लेकर के टू तक, रूट थ्री से लेकर के टू तक। अब चलो अब यहां से अब हम रखें, हमें रखनी है वाई की वैल्यू। समझ में आ रही बात? देखो अगर आप इस ए ओ सी का एरिया अगर आप इस वाले तरीके से भी निकालना चाहते थे ना तो निकाल सकते थे, समझ रहे हो ना। हम यहां से क्या लेते, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, हम ले लेते हैं यहां से यहां तक डी एक्स और यहां से ले लेते वाई। तो अब हम वाई की वैल्यू यहां से रखते एक्स अपॉन रूट थ्री। क्लियर है ये बात? ध्यान से मेरी बात समझना। एक्स अपॉन रूट थ्री दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। देखो तो रूट थ्री वाई, रूट थ्री टू टू वाई डी एक्स। अब यहां से आप वाई की वैल्यू कौन सी रखोगे, तो अब बताओ। देखो आपने कहा सर वाई की वैल्यू कौन सी रखी जाए, तो आप मेरे को बताओ ये जो रीजन बना है वो किस कर्व के थ्रू बना है, सर्कल के थ्रू या लाइन के थ्रू? तो सर्कल के थ्रू बना है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, सर्कल के थ्रू बना है। तो सर्कल का आप क्या करोगे, सिंस देखो क्या है मेरे पास, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो आपको यहां से वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो याद आया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, जस्ट हम उस पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है चलो आप सॉल्व करो इसके बाद। तो देखो कितना हो जाएगा वाई की वैल्यू यहां पर फाइनली हम रख देते हैं कितनी, रूट थ्री टू टू, वाई की वैल्यू हमें रख देनी है टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो कितना हो जाएगा x बाई टू, क्या होता है x बाई टू, यानी कि x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या होगा देखो ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर यानी कि फोर बाई टू, फिर क्या हो जाता था साइन इनिवर्स, ओके साइन इनिवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब x अपॉन a का मतलब टू, ठीक है, और लिमिट लगा दिया रूट थ्री टू टू। ओके अब लिमिट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ होगा। देखो जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो x की जगह कितना रखोगे टू, टू बाई टू, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो इंटू जीरो, बोलो होगा ना, फोर माइनस फोर दैट मीन जीरो प्लस, अभी भी अपर लिमिट ही हम चल रहा है, फोर अपॉन टू, फोर अपॉन टू का मतलब टू, और साइन इनवर्स टू बाई टू यानी कि साइन इनवर्स वन, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं, यानी कि एक्स का कितना रखना है रूट थ्री, रूट थ्री बाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, फोर माइनस रूट थ्री का, रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि थ्री, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट है तो ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस फोर बाई टू यानी कि टू, और साइन इनिवर्स एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है रूट थ्री बाई टू। चलो इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, क्या मिला टू साइन इनवर्स वन, टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पाई बाई टू, तो टू इंटू पाई बाई टू माइनस, अब देखो रूट थ्री बाई टू ये होगा फोर माइनस वन दैट मीन्स फोर माइनस थ्री दैट मीन्स वन, तो वन ही हो जाएगा प्लस, यहां पर आओ टू इंटू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। आप मेरे को बताओ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपने कहा सर आपको निकालनी है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो इस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रहने दो। अब ये बताओ साइन में कितने डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, तो साइन सिक्सटी डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री, और सिक्सटी को हम लिखते हैं पाई बाई थ्री, तो साइन से साइन कैंसिल, यानी कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू की वैल्यू कितनी आई पाई बाई थ्री, तो क्या कर दिया जाए टू इंटू पाई बाई थ्री। सो फाइनली देखो ये टू से टू आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास पाई। अब देखो ये ब्रैकेट हम कर देते हैं ओपन, ओके तो पाई माइनस रूट थ्री पाई टू और माइनस टू पाई बाई थ्री। क्लियर है? तो ये देखो ये टू पाई बाई थ्री और ये पाई दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये पाई है ये माइनस टू पाई बाई थ्री है, तो थ्री पाई माइनस टू पाई, देखो इसका एलसीएम सेम करो तो थ्री से थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, थ्री पाई माइनस टू पाई, थ्री पाई माइनस टू पाई दैट मीन्स पाई, पाई बाई थ्री माइनस रूट
टू, ये हमारा आया एरिया इस वाले का। नाउ फाइनली आप देखो, आपने ओवरऑल आपने एरिया क्या बोला था, एरिया ऑफ ओएसी प्लस एरिया ऑफ सीएबीसी, तो दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या लिख देंगे, हेंस फाइनल एरिया है ना। सो एरिया जो भी पूछा है आपका क्वेश्चन, एरिया क्या बोला है, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, इनक्लोज बाय फर्स्ट, ये सारी चीजें आप लिख लोगे अपने क्वेश्चन में से देख करके, ठीक है, इनक्लोज बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड सर्किल दिस इज इक्वल टू, फाइनली देखो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ओएसी की देखो वैल्यू कितनी आई है, रूट थ्री बाई टू, कितनी आई है, रूट थ्री बाई टू, प्लस एरिया ऑफ सी ए बी सी, तो एरिया ऑफ सी ए बी सी देखो कितना आया है, पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, ये रूट थ्री बाई टू से ये रूट थ्री बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, पाई बाई थ्री यूनिट स्क्वायर, समझ में आई बात, ये चीज आपको यहां से दिख रहा होगा ना, ठीक है, ये हमने एरिया ऑफ रीजन रख दिया, यानी कि हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई है, आप ये कमेंट करके बताओगे, हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आया है या नहीं आया है, कितना आसान है, जितनी पॉसिबिलिटी मैंने आपको सब बताई है, ठीक है।